अमेरिका के रक्षा विभाग की ओर से दावा किया गया कि शनिवार 23 दिसंबर को हिंद महासागर में करीब 10 बजे जो मालवाहक जहाज सऊदी अरब से तेल लेकर भारत आ रहा था, वो जहाज जापान का था और लाइबेरिया के फ्लैग से ऑपरेट हो रहा था और उस जहाज पर ईरानी ड्रोन की ओर से हमला किया गया था। हमले के वक्त ये जहाज पोरबंदर तट से करीब 400 किलोमीटर दूर था। ये इलाका भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी EEZ से बाहर पड़ता है। बता दें उस समय ये जहाज लगातार अमेरिका के संपर्क में था, तो वही दूसरी ओर ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर अली बगेरी ने हमले के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अमेरिका की ओर से जहाज पर हमले करने का जो दावा किया गया है वो दावा सरासर झूठ है। आगे ईरान ने कहा, हूती विद्रोहियों के पास हथियारों की कमी नहीं है, उनके पास अपने खुद के हथियार है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। बता दें हूती विद्रोही वो लोग हैं जो लाल सागर और आसपास के इलाकों में अक्सर जहाजों पर हमला करते हैं। बता दें जब से इसराइल और हमास की जंग शुरू हुई है तब से हूती विद्रोही लोग लगातार लाल सागर और उसके आसपास के इलाकों में जितने भी जहाज उनकी नजरों में आ रहे हैं उन पर वो लगातार हमला कर रहे हैं, क्योंकि हूती विद्रोहियों का कहना है कि जब तक इसराइल गाजा में अपने हमले नहीं रोकेगा वो तब तक इसराइल या उससे जुड़े जहाजों पर लगातार हमले करते रहेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार को जो जहाज भारत आ रहा था उसका संपर्क इसराइल से बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ये जहाज 25 दिसंबर को मुंबई पहुंचने वाला था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पता चला कि पिछले 4 हफ्तों में हूती विद्रोहियों ने लाल सागर और उसके आसपास के इलाके में करीब 100 से ज्यादा हमले किए हैं और करीब 1 महीने पहले हूती विद्रोहियों ने तुर्की से भारत आ रहे कार्गो शिप गैलेक्सी लीडर जहाज को इजरायली जहाज समझकर हाईजैक कर लिया था। तो वही दूसरी ओर अमेरिकी मिलिट्री की ओर से दावा किया गया कि शनिवार को लाल सागर में हूती विद्रोहियों ने भारत के झंडे वाले गेबन के MV साई बाबा ऑयल टैंकर पर भी ड्रोन से हमला किया है, जिसमें 25 भारतीय मेंबर्स सवार थे। हमले की जानकारी मिलने के बाद नेवी ने श्रिप को ट्रैक किया और बताया कि सभी लोग सुरक्षित हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दी नगरी न्यूज़। नमस्कार।